संदेश दिए गए हैं। आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सार्वजनिक स्थलों, मेट्रो, ऑटो रिक्शा और अन्य सार्वजनिक परिवहनों में पोस्टर, बैनर और स्टिकर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। ट्वीट कर दिया है कि किस तरह से हमें कोरोना से लड़ना है, तो आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ साफ करते रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि दो गज की दूरी बेहद जरूरी है और उसे बनाकर रखना अहम है। तो ये अहम है जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इसका जिक्र हमने किया था तेजेंद्र अपनी खबर की शुरुआत में ही। और लगातार जो तरह से अब मौसम आ रहा है बदलाव का, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था खुलने जा रही है, खुल चुकी है, तो किस लिए कितना अहम है इस पर हम रखेंगे अपना खास। बिल्कुल, बेहद अहम, और क्योंकि अर्थव्यवस्था खुल चुकी है, लोगों का मिलना जुलना बढ़ गया है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो चीजें हमने शुरुआत में सीखी हैं उसको आगे भी फॉलो करते रहें। दो गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, इन्हीं सभी बातों का जिक्र किया गया है और इन्हीं पर जोर देने की बात कही गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड 19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार के नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम ट्वीट के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे कि कोरोना महामारी में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति, विशेष रूप से अनुसंधान, बीमारी की पहचान करने के लिए जांच उपकरणों और टीका विकसित करने आदि की समीक्षा ली। दोनों देशों की जनता और मानवता की भलाई के लिए इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को लेकर दोनों नेताओं के बीच सहमति बनी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि दोनों नेताओं ने कोविड 19 महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने अपने मित्र इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, दोनों ने कोविड 19 के खिलाफ सहयोग को बढ़ाने को लेकर बात की, साथ ही हमने कृषि और नव प्रवर्तन क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा की गई पहलों की समीक्षा की। बातचीत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट में बताया गया कि दोनों देश कोविड 19 के खिलाफ संघर्ष में द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखते हुए इसे और आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त करने के साथ साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नव प्रवर्तन के मुद्दे पर डिजिटल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, दोनों नेताओं ने तकनीकी सहयोग और परीक्षणों पर जोर देने के साथ साथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखने और आगे बढ़ाने पर राज्य सरकारें स्कूल खोलने के लिए अपना खुद का SOP तैयार करेंगी। और तरह है कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूलों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल आपात देखभाल और हाइजीन से जुड़ी टास्क टीम गठित करेंगे। छात्रों की सुरक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए स्कूल खुद SOP तैयार कर सकते हैं। छात्रों के बैठने की व्यवस्था करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बच्चों के स्कूल आने जाने का वक्त अलग अलग होगा। सभी छात्रों, स्टाफ को हमेशा फेस कवर करना और मास्क पहनना जरूरी होगा। राज्य सरकारों के साथ साथ स्कूल में बच्चों को बुलाने से पहले अभिभावकों की जो सहमति है वो लेना जरूरी है। छात्रों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल पूर्णकालिक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित